इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांग्रेस ने टालकाटोरा स्टेडियम में, दिल्ली में टालकाटोरा या कौन सा आप लोग जानेंगे, नेशनल कन्वेंशन में कहा कि हमको इलेक्शन बैलेट से चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन बैलेट से चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से कह रहा हूं, भैया आपको बैलेट से चुनाव कराने में रोक कौन कर रहा है, कौन रोक रहा है? आप मोर्चा लेकर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास। देखो, हम मोर्चा लेकर जाते कलेक्टर के पास, ये मोर्चा लेके कहां जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के पास। अरे भैया, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास मोर्चा ले जाने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में ऑलरेडी बैलेट लिखा हुआ है, ईवीएम को केवल हटाना है। ऑलरेडी बैलेट लिखा हुआ है, ईवीएम को हटाना है। एक दिन में अमेंडमेंट होता है, 6-7 सेक्शन है लोकसभा में, एक दिन में अमेंडमेंट होता है राज्यसभा में, तीसरे दिन राष्ट्रपति साइन मारता है, चौथे दिन ईवीएम देश से हटती है। लेकिन राहुल गांधी 17 पार्टियों को लेकर चुनाव आयोग के पास जा रहे, लेकिन पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल को मूव नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा षड्यंत्र है, पार्लियामेंट में कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट में पॉलिसी नहीं बनाना, बाद में करना इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि संविधान में दिक्कत है, कानून में दिक्कत है, और हमको इसके लिए मोर्चा निकालना पड़ेगा या आपको हमको चुनाव में वोटिंग देना पड़ेगा। तो आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं। पहली बात जो मैंने इसमें किया है वो ये कि मानव अधिकारों को पूरे स्टेट, यानी स्टेट यानी केवल भारत सरकार और पार्लियामेंट नहीं, केवल राज्य सरकार और पार्लियामेंट नहीं, केवल लोकल सेल बॉडी नहीं, स्टेट की डेफिनेशन में मैंने जुडिशरी को इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि अभी यदि हम अपना आर्टिकल 12 को देखते हैं तो वहां पाएंगे कि स्टेट की डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं है। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में हम हरदम ये पढ़ते हैं कि देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक्सप्लिसिट नहीं किया कि हम क्या है। तो मेरा सवाल, कभी कभी मैं जब ह्यूमन राइट्स को पढ़ रहा था, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा था, तो आई यूज टू थिंक कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्सप्लिसिट कुछ नहीं कहता है, और जब भी रिजर्वेशन इन जुडिशरी का इश्यू आता है तो वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि ये कह दिया जाता है कि भाई जुडिशरी स्टेट नहीं है। तो इसलिए मेरे माइंड में ये सवाल उठता था कि जुडिशरी इज नॉट द स्टेट, देन व्हाट इज जुडिशरी? वेदर जुडिशरी इज अ नॉन स्टेट एक्टर, वेदर जुडिशरी इज अ प्राइवेट सेक्टर? नो। सो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जुडिशरी भी स्टेट है। मैंने आर्टिकल 12 में जुडिशरी को इनकॉर्पोरेट किया है, और इसका यह नतीजा हो रहा है कि जैसे आर्टिकल 12 में आप जुडिशरी को डाला, 16(4) में स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट में जो रिजर्वेशन है अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट में, रेड विथ आर्टिकल 224 एंड 217। तो आप अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो रिजर्वेशन इन जुडिशरी का प्रोविजन बनता है। ये एक पहला जो है आस्पेक्ट मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया, ये पहला पॉइंट है। तो इसलिए यदि हमको लगता है कि मोदी जैसा इंसान चुन के भी आ जाए लेकिन वो भारत के लोगों के अधिकार का वायलेशन ना कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना कर सके, तो मोदी को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत, ह्यूमन राइट्स के तहत लटकाने की जरूरत है। लटकाने की जरूरत है, आपकी भाषा में कह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड द ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड द लाइबिलिटीज। आपके लैंग्वेज में उसको पकड़ लिए, उसको बाइंड कर दिए, बोला भैया ठीक है, अच्छा है, तो प्राइम मिनिस्टर बन जा, रूल कर ले, अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर ले, लेकिन भारत को तू आज भी आने नहीं देगा, अगर आज आएगा तो हम तेरे को हटा देंगे। ये ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन होता है, और ज्यादा वायलेशन करेगा तो उसके लिए करप्शन और राफेल देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा वायलेशन किया तो क्रिमिनल लॉ होगा और तुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। दैट शुड बी द प्रोविजन। तो ये प्रोविजन के तरफ मैंने इसका पहला इनकॉर्पोरेशन किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।